लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। हमारा एवरेस्ट चल चुका है 10,009 किलोमीटर। क्या गजब की सिक्योरिटी है, मतलब हर 100-100 मीटर पे ना अपना एवरेस्ट माइलेज दे रहा 20.8। ए प्रसाद। ओके सर, हमें कारगिल में ही रुकना पड़ेगा। अरे भाई, ये तो लैंडस्लाइड वाला एरिया है, लगता है फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है। ओ एमा, हाउ इज द बाइक? पता है, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि प्रभजोत आपके रूट पे है, तो यहाँ पे इंजेक्शन लेने वाले हैं। बाइक अपनी वार्म अप हो रही है और चिरू ने भी अपना बाइक वार्म अप कर लिया है। दोनों का लगेज माउंट हो चुका है और आज का प्लान है यहाँ से ट्राई करेंगे लामायुरु लेह तक जाने का, जहाँ तक जा सके, कारगिल वॉर मेमोरियल और गुरुद्वारा होते हुए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकिंग सोल। आई एम गुड एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। गणपति बप्पा मोरिया। चलो बाय। आज रात में वैसे पूरा नींद नहीं आया क्योंकि शिकारा करके और पूरा घूम घाम के आते आते 10:30 बज गया था। उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफ़र किया, डिनर किया, वो सब करते करते ऑलमोस्ट 11:30 बज गया। अभी मेरा जो रेंज है वो 594 किलोमीटर दिखा रहा है। हमारा एवरेस्ट चल चुका है 10,009 किलोमीटर। ये है बिगर माइलस्टोन अचीव किया है एकदम, और इसको अभी बहुत सारा माइलस्टोन ऐसे ही अचीव करते रहना है। घर से टोटल निकले हुए हमें हो गया है 3,018.5 किलोमीटर। और चिरू भाई साहब भी आ गए पूरा लगेज सेट करते हुए। फाइनली हम लोग टच हो गए हैं NH1 और टेम्परेचर भी थोड़ा गिर गया है। राइट नाउ इट्स 20 डिग्री। अभी कुछ देर पहले, जस्ट 2 मिनट पहले 22 था। क्या गजब की सिक्योरिटी है, मतलब हर 100-100 मीटर पे ना खड़े हैं ये लोग। राइट नाउ इट्स 7:57 और जो हमारा फर्स्ट स्पॉट है कारगिल वॉर मेमोरियल, वहाँ पहुँचने में दिखा रहा है 3 घंटे 22 मिनट। यहाँ से जो कश्मीर का नज़ारा शुरू हो गया है, काफ़ी बड़ा सा लग रहा है पहाड़, पर अभी भी यहाँ पे ग्रीनरी है। थोड़ा और जाएंगे ये ग्रीनरी कम होता चला जाएगा। पता नहीं आगे सोनमर्ग में हमें आइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। क्या मस्त पानी का फ्लो है और वहाँ पे कुछ लोग अपना टेबल कुर्सी लगा के नाश्ता पानी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग रुके हुए हैं फोटो खींचने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। कश्मीर सही मायने में धरती का स्वर्ग है। मस्त मजा आ रहा है दोस्तों, अगर ये मजे लेना है तो कश्मीर आ जाओ। अभी हो रहा है 9:04। राइट नाउ इट्स 9:04 एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट क्लोज टू सम 50 किलोमीटर। इस ट्रिप में ना BMW क्या परफॉर्म कर रही है, अपना एवरेज माइलेज दे रहा 20.8। जिस तरह मैं कम खा रहा हूँ ना, वैसे ये भी कम पी रही है। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे, राइड का मजा वैसा ही आता जाएगा। बहुत देर से ना ये रिवर साथ में चल रहे, एक बार उतरना चाहिए रिवर में नहीं, मतलब रिवर के पास जाना चाहिए। मस्त व्यू है यार, मतलब आज के बाद से ना ऐसा फुल लद्दाख ट्रिप होने वाला है, एकदम मजा आने वाला है। आगे चल के जोजिला पास क्रॉस करने वाले हैं और मैं आप लोग को व्यू दिखाता हूँ यार। बड़े माउंटेन, उसके बगल से नदियां बह रही है, फुल लैंडस्केप व्यू दिख रहा है यहाँ से। अपनी एवरेस्ट वहां पे खड़ी है आराम से, सेफ एंड साउंड। मैं थोड़ा रुका था, सनस्क्रीन भी लगा ली क्योंकि जो धूप है ना बहुत तेज हो गई है। वैसे ठंड लग रही है बट धूप बहुत तेज है। नजारा देखो, सीरियसली एक नंबर यार, एक नंबर। सिंक नहीं किया हूँ अभी तक, चिरू को आराम से टाइम दे रहा हूँ आने का। ए प्रसाद, देखो प्रसाद मिल गया, प्रसाद भी मिल गई वाइफ के साथ। क्या नजारा, बड़े बड़े पहाड़, पूरी वादियां यहाँ पे, और उसके बाद ये रिवर एकदम अपनी उफान पे। मन कर रहा है यहीं पे बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए। वेलकम टू सोनमर्ग। क्या मस्त व्यू है यार, लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, व्हाट अ व्यू। ग्लिम्स ऑफ फर्स्ट स्नो पीक माउंटेन, इट्स लुकिंग ऑसम मैन, इट्स लुकिंग ऑसम। यूरोप जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब पूरा यूरोप वाला व्यू ही यहाँ पे दिख रहा है। अब ये आ गया सोनमर्ग का मार्केट। ओ यहाँ पे है सिंध रिवर, कुछ लोग वहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे भी, ये पुल बनाया जा रहा है। ये मुझे लगता है NHAI के अंदर आता होगा। यहाँ पे थोड़ा भी स्नो नहीं है और आप विंटर में आओ, दिसंबर जनवरी फरवरी में, मतलब फुल स्नो रहता है, फुल स्नो। ऐसे जगह पे रहने को मिल जाए ना, सामने का नजारा तो एकदम मस्त है भाई। ओ हेलीकॉप्टर उड़ा। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। ये जो बीच वाला पीक है उसमें तो मुझे लग रहा है फ्रेश आइस गिरा है,
क्योंकि एकदम वाइट है और इस साइड थोड़ा सा कलर गंदा है। आई एम लविंग इट, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स। हर तरफ नाकाबंदी है और नीचे आर्मी का बेस कैंप था जहाँ से 2-3 बार हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा था। नीचे वो बालटाल जाता है, वो टनल बन रहा है, वो देखो बालटाल वैली, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। यार मुझे लगता है जब स्नोफॉल होता होगा पूरा स्नो में ढक जाता होगा वो विलेज। अभी चिराग फोन किया था, चिराग का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, हमें कारगिल में ही रुकना पड़ेगा। उसे वॉमिटिंग हो रहा है और पेट दर्द कर रहा है, शायद फूड पॉइजनिंग हो गया है उसे। प्रसाद भी कारगिल ही रुक रहा है, सो लेट्स सी। ओहो, पहाड़ को काट के बनाया गया है। अरे भाई ये तो लैंडस्लाइड वाला एरिया है, लगता है फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है। जल्दी क्रॉस करो भैया, ये तो पूरा स्पीति टाइप लग रहा था। वाव, ट्रक का जवावड़ा लग गया भैया, जाम लग चुका है यहाँ पे। अपनी एवरेस्ट भी गुस्साने लगी और उसका भी फैन शुरू हो गया हूँ। भैया 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 लैंडस्लाइड हुआ है, जल्दी जल्दी निकालो। वी आर क्रॉसिंग जोजिला पास और आगे सुमो वाले भैया पूरा उड़ाते हुए चल रहे हैं। एंड्यूरो मोड में डाल लिया है ताकि सस्पेंशन और डैम्पिंग थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि टक 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 करके रोड मोड पे लग रहा था। मुझे लगता है बस 5 मिनट रह गया है जोजिला पास में। आई जोजिला पास 13,000 feet पे है, वी आर एट 13,000+ feet इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लो भैया स्नो मिल गया और फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, देख के जाना पड़ेगा कैसा है भैया वाटर क्रॉसिंग। ये देखो रुका नहीं जा रहा है, रुका नहीं जा रहा है। अब फंस गए, ओए मा ओए मा ओए मा ओए मा, ये क्या हो गया, ऐसे वाटर क्रॉसिंग में कैसे जाऊं मैं। हा, 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 फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, जोजिला पास पे स्नो भी मिला एकदम पास में और वाटर क्रॉसिंग भी, सेकंड वाटर क्रॉसिंग। ओए मा वाव, इजी पीजी। जोजिला पास से अब नीचे उतर रहे हैं, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है 16 degrees Celsius पे, बट धूप बहुत है तो उतना इफेक्ट नहीं दे रहा है 16 डिग्री का। कारगिल में भी मैंने चेक किया था टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 20-25 के राउंड ही है। यहाँ से दिखा रहा है कारगिल वार मेमोरियल 47 किलोमीटर, 1 घंटा 8 मिनट। सो ऑल टुगेदर रोड इज ओके टोके, और ये जो रोड है ना क्वाइट बाउंसी रोड है, बट अपनी BMW AKA एवरेस्ट एकदम पहाड़ों पे आके तो मस्त परफॉर्म कर रहा है। आगे कहीं रुक के पानी पीते हैं, यहाँ कर्नाटका से ही भाई थे अपने, वहाँ पे तो मस्त नज़ारे हैं भैया, बहुत सारी स्नो बाइक्स हैं, मस्त स्नो के मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे है कर्नाटका वाला ग्रुप। He's trying BMW 1250 GSA for the first time. So I'll ask, how's the bike? It's amazing. I want to ride. Top, there is a waterfall. Vibe is too good. हाँ ठीक है, साइड करो आप। ठीक है, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि प्रभजोत आपके रूट पे है, एक बार मिलते हुए जाओ। अरे अंकल भी है, पापा भी साथ में है। कहाँ से आप? मैं बैंगलोर से। भाई लोग मिल रहे हैं, कोई मुंबई से कोई बैंगलोर। चलो यार विल मीट, ठीक है। कारगिल जा रहे हो? ले ओके ठीक है, चलो बाय बाय। सुयश तो खुश हो जाएगा सीरियसली ये देख के, क्योंकि सुयश ने ही मुझे बोला था कि जट प्रभजोत जो है वो निकला हुआ है आपके ही रूट पे, और देखो भाई मिल गया। मैं उसको जैसे ही बोलूंगा ना मजा आ जाएगा उसको देख के। चलो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ओहो रोड तो बहुत खराब है भैया, सैटलिंग करते हुए जाना पड़ रहा है। सामने से ट्रक वाले भैया भी आ रहे हैं, सेटलिंग ही करना पड़ेगा नहीं तो कमर का वॉट लग जाना है। अपना जो एवरेस्ट है भाई कम थोड़ा ही है, एवरेस्ट एवरेस्ट है, मजे दे रहा है पूरा फुल। Praying that the
होप कौन शॉट आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अभी हम लोग हैं द्रास में, कारगिल में ही रुकना है, तो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, जो करना है करो यार, मजा आने वाला है। ओ चिराग भी आ गया, ये लो चिराग भी आ गया। कैसे हो, तबीयत कैसा है अभी, तबीयत कैसा है? दवा लिया कौन सा? इनो मत बोलना, था क्या मेडिकल शॉप? ओ अच्छा, गुलमर्ग में। हाँ भाई मैंने ड्रोन उड़ाया, तुम मिस हो गया, बहुत देर वेट किया। चीरू यहाँ पे, चीरू मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, मस्त नजारा है। चीरू भैया हमारी फोटो लेते हुए कैसा लग रहा है मेरा शॉट? मैं अभी देख रहा हूँ पहली बार, लग रहा है हेलीकॉप्टर जा रहा है भैया, फाइटर जेट। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, damn what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my ये है भैया द्रास। ये होटल तो मैंने बहुत बार देखा है YouTube पे, बाप रे अभी देखो क्या गर्मी है यहाँ पे, 27 डिग्री, और ये एक टाइम में -65 डिग्री पे भी गया था। द्रास में ग्रास है, ब्राउन कलर है, रेड कलर है, ओहो, और ऊपर देखो ब्लैक है, वाइट है। यह ब्रिज्ड कारगिल वॉर मेमोरियल, चिरू भी अपना पीछे आ रहा है। यही है वो हिल जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी चढ़ी हुई थी और इंडियन आर्मी नीचे से फायरिंग कर रही थी। ये है वो बोफोर्स, झंडा एकदम लहरा रहा है। लुक एट द स्नो पीक माउंटेन्स मैन, इट्स लुकिंग ऑसम। क्या नाम है? इरशाद। ये लो हाथ मिलाओ, चलो बाय, ठीक से पढ़ाई करना। फाइनली निकल चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल से, यार रोंगटे खड़े हो गए, 10 मिनट के वीडियो में उसमें आ गया था मैं। कितनी दूर से गिर रहा है वो, और फ्लो भी अच्छा है, दूर से कम दिख रहा होगा लेकिन फ्लो भी अच्छा है। और रोड, कोई कह सकता है कि लद्दाख रीजन में ऐसा रोड मिलने वाला है? यह है संगम, एक सुरु वैली की तरफ जाता है, एक शंकु वैली की तरफ जाता है। पेट ठीक है? नेक्स्ट डे के लिए ले है? आज टीका लग गया तो हाँ, हाँ नहीं तो आफ्टर 7 hours ऑफ कंटिन्यूस राइड वी हैव सेटल्ड फॉर आवर लंच। आई एम हैविंग दाल खिचड़ी, ही इज प्रसाद, प्रसाद इज हैविंग जीरा राइस एंड दाल तड़का। प्रतिमा she is also having the same and our Chiru bhaiya is having curd only. You may so catch me if I fall. चिराग भैया यहाँ पे आए थे जांस्कार वैली और लद्दाख वैली का राइड करने के लिए, और यहाँ डॉक्टरों का राइड चल रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन लेने वाले हैं। कौन सा इंजेक्शन पे? वही रैंटेक्स पैंटाप्रोल ना, देखो एक बार, नहीं होता है ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ले में चल चलेंगे। क्या प्रसाद ले में भी तुम्हारे लिए हाफ डे है, हाफ डे में पहुंच जाएंगे सुबह सुबह। दिल्ली में अपने कुंडी में इंजेक्शन ही लगाता हूं। लगने वाला है इंजेक्शन बट में, नहीं है। असला बारूद तैयार होता हुआ लद्दाख राइड के लिए चिरू निकला था, यहाँ पे इंजेक्शन लगवा रहा है, इंजेक्शन ही है। फाइनली इंजेक्शन लग गया, चिरू अब अपना तैयार है कल ले जाने के लिए बाइक पे। वो देखो ये व्यू है पूरा कारगिल शहर का। होटल में रुके हुए हैं हम लोग, होटल चुटक हाइट्स, बहुत बढ़िया है। आज का अब कोई प्लान नहीं है, अब बस डिनर करेंगे और चले जाएंगे सोने के लिए। व्लॉग मैं यहीं खत्म करता हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बाइकिंग सोल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय। So catch me if I fall.